हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑर्डर 21 के रूल 74 से लेकर के रूल 81 तक के बात करेंगे। इसमें रूल 74 कहता है सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। रूल 74 कहता है कृषि उपज का विक्रय, जो कृषि उपज होगी उसका विक्रय कैसे किया जाएगा, इसके बारे में 74 बताता है। अगर विक्रय की संपत्ति कृषि उपज है, कृषि उपज में कई चीजें आती हैं, जो फसलें हैं वो भी आ जाती हैं और जो जो फल हैं वो भी आ जाते हैं, कृषि उपज के ही अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। अगर इसमें कहा कि उगती फसलें हैं, मतलब वो जो फसल है जो ईयर टू ईयर होती हैं या जो टाइम टू टाइम पैदा होती हैं, बहुत सालों तक नहीं रहती हैं, वो उगती फसलें कहलाती हैं। जैसे धान है, गेहूं है या कोई सब्जी है, ये उगती फसलें हैं। तो इन फसलों में अगर उन्होंने कहा कि अगर उनका नीलामी होना है तो उस जगह पर होगा जहां पर उस फसल उत्पन्न हुई है। अगर वह फसल काटी नहीं गई है तब तो उस जगह पर होगा जहां पर फसल है, सेल किया जाएगा। और अगर कट चुकी है, फसल काट ली गई है, काट करके खलिहान में लगा दी गई है या एक जगह स्टोर कर दी गई है, तो जिस जगह पर वह फसल स्टोर की गई है, जिस जगह पर वह फसल लगाई गई है, उस जगह पर नीलामी की जाएगी जहां पर वो लगी हुई है। तो अब इसमें इसी बात के लिए कहा गया है कि उस जो नीलामी है कोई उगती फसल की, उस जगह पर की जाएगी। अगर वो खड़ी हुई फसल है तो खेत में की जाएगी, अगर वो कट करके खलिहान में आ गई तो खलिहान में उसकी नीलामी की जाएगी और वहीं पर उसका विक्रय किया जाएगा, उसी स्थान पर उसका विक्रय किया जाएगा। और अगर उसको टालना है तो अगले दिन से ज्यादा उसको नहीं टाल सकते और उसी कीमत पर उसको सेल किया जाएगा। रूल 75 कहते हैं स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू ग्रोइंग क्रॉप्स। रूल 75 इसका कहता है कृषि उपज का, रूल 75 कहता है उगती फसलों के संबंध में विशेष उपबंध। अब ये बात आ गई तो एक सिंपल सी बात कर दी गई कि उसको विक्रय किया जाएगा जहां पर फसल खड़ी है वहां पर, या खलिहान पर आ गई तो खलिहान पर। अब उसको स्पेशल प्रोविजन कर दिए गए। स्पेशल प्रोविजन में क्या कहा गया कि अगर उगती फसलें हैं और प्रकृति से भंडार में रखने योग्य हैं, वो नेचुरल तरीके से उनको काट करके उनका अनाज निकाल करके उसको भंडार में स्टोर किया जाए तो उससे स्टोर करने पर उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। जैसे उसका दाम हाई होगा वैसे उसको नीलाम किया जा सकता है और नुकसान नहीं होगा। तो इन्होंने कहा अगर वो भंडार में एकत्रित होने वाली फसलें हैं तो पहले उनको काट करके उनको फसल निकाल करके कहां पर भंडार में एकत्रित कर दिया जाएगा और तब एक दिन ऐसा निर्धारित किया जाएगा कि जिस दिन उसका प्रकाशन हो और वह फसल निकाल करके जो भंडार में लगी हुई है उसे नीलाम किया जाए। अगर वो भंडार में रखने योग्य नहीं है, अगर वह भंडार में रखने योग्य नहीं है तो वह खड़ी फसल जिस समय उगी है वहीं पर जा करके नीलामी की जाएगी और खड़ी फसल को ही सेल कर दिया जाएगा, उसको काट करके और जो खलिहान है वहां पर लाने का इंतजार नहीं किया जाएगा, खड़ी फसल को ही उसको सेल कर दिया जाएगा अगर वो भंडार में स्टोर करने वाली नहीं है तब। ये इसके स्पेशल प्रोविजंस कहे गए थे। अब इसका रूल 76 कहता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड शेयर्स इन कॉर्पोरेशन। रूल 76 कहता है पराक्रम में लिखते और निगमों के अंश। पराक्रम में लिखते क्या होती हैं, जैसे चेक हैं, ऐसे कोई चीजें हैं उनको पराक्रम में लिखित कहते हैं। तो पराक्रम इन्होंने कहा कि पराक्रम में लिखित जो है या शेयर्स हैं उनके बारे में क्या किया जाए, उनको कैसे नीलाम किया जाएगा। तो जो पराक्रम में लिखित हैं या शेयर्स हैं उन्हें कोर्ट ऑर्डर करेगा कि जो मेडिएटर्स हैं, जो दलाल हैं, उनके माध्यम से उनका विक्रय किया जाए और विक्रय करके धन
जो है कोर्ट को जमा करा करके डिग्री होल्डर को दिया जाए। ये बात इसमें रूल 76 में कहा। रूल 77 कहता है सेल बाय पब्लिक ऑक्शन। रूल 76 कहता है, रूल 77 कहता है लोक नीलामी द्वारा विक्रय। लोक नीलामी पब्लिक ऑक्शन क्या है? पब्लिक में क्या होगा? तो अगर कोई जंगम संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो लाटों में बिक्री की जाएगी। मतलब ये नहीं कि मूवेबल प्रॉपर्टी है, सपोज करते हो कि ज्वेलरी है, ज्वेलरी में सोने की ज्वेलरी है, चांदी की ज्वेलरी है, डायमंड्स हैं, तो लाट का मतलब होता है कि गोल्ड को एक बार में और सिल्वर को एक बार में, डायमंड को एक बार में ऐसे लाट बना दिए जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको लाटों में सेल किया जाएगा, उनको उसी उसी काइंड की एक एक प्रॉपर्टी को एक साथ में सेल किया जाएगा और डिफरेंट टाइप के प्रॉपर्टी को अलग उसका लाट बना दिया जाएगा। तो इसी बात को इन्होंने कहा कि अगर जो जंगम संपत्ति है, जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसका लाट में विक्रय किया जाएगा और प्रत्येक लाट का दाम निर्धारित किया जाएगा। मान लो सोने की ज्वेलरी का लाट है तो अलग दाम होगा, चांदी की ज्वेलरी का लाट है तो अलग दाम होगा। तो इस तरीके से हर एक लाट का अलग दाम निर्धारित होगा और जो उसको परचेज करेगा तो जो सेल अधिकारी होगा, जिसको कोर्ट ने नियुक्त किया होगा, वह अधिकारी उसकी रसीद देगा। अगर सह स्वामी है, मतलब उस ज्वेलरी के दो या तीन मालिक हैं और एक पार्ट को उसको सेल करना, तो सबसे पहले राइट उसको दिया जाएगा जो सह स्वामी है। ए बी सी की प्रॉपर्टी सपोज करते सेल की जा रही, ए की नीलामी हो रही है, तो सबसे पहले राइट बी या सी का होगा, वो नीलामी की बोली लगाएंगे। अगर वो नहीं लगाते हैं, कोई और लगाता है, तो भी सह पार्टनर कहलाएगा वह उनके साथ में, कि ये इनकी संपत्ति इनके साथ में ज्वाइंट कर दी गई है, तो वो सह के द्वारा उसको बोली लगाई मानी जाएगी। अब रूल 78 इसका कहा, रूल 78 इसका कहता है कि इररेगुलरिटी नॉट टू वायलेट सेल बट एनी पर्सन इंटरेस्ट में सू। रूल 78 कहता है अनियमितता विक्रय को दूषित नहीं करेगी, किंतु कोई भी व्यक्ति जिसे क्षत हुई है वाद ला सकेगा। अब इसमें सेल हो रहा किसका? मूवेबल प्रॉपर्टी का, लाटों में सेल हो रहा। तो सेल में इन्होंने कहा कि जिसका सेल हो रहा है, अगर उसके प्रोसेस में अनियमितता की गई, अनियमितता प्रोसेस में मतलब प्रकाशन में प्रकाशन नहीं किया गया जिससे अच्छे लोगों को जानकारी नहीं हो पाई, या टाइम नहीं निर्धारित किया गया, या समय नहीं निर्धारित किया गया, या स्थान नहीं निर्धारित किया गया, या अब पब्लिक के लोग नहीं आ पाए, या उसको चुपचाप कर दिया गया, ऐसी कोई भी अनियमितता हो सकती है। अगर उसमें अनियमितता हुई है और डिग्री जो क्रेता या निर्णित ऋणी या डिग्रीदार किसी को भी उसमें से क्षति हुई है, तो वह उसके लिए जो है वाद ला सकता है, प्रतिकर का वाद ला सकता है कि हमारा इसमें नुकसान हुआ, इसमें से प्रतिकर दिलाया जाए, तो वह प्रतिकर का वाद ला सकेगा। रूल 79 कहता है डिलीवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी डेब्ट्स एंड शेयर्स। रूल 79 इसका कहता है जंगम संपत्ति ऋणी और अंशों का परिदान। रूल 79 कहता है कि जहां पर जंगम संपत्ति का वास्तविक कब्जे में लिया गया, जो जंगम संपत्ति है उसको वास्तविक कब्जे में, मतलब किसी के पास में है, अब जब उसको अपने पास ले ली जाएगी, उसकी नीलामी लगा दी गई है, सेल हो गई, तो जब उसको अपने कब्जे में ले लिया जाएगा तो उसको उसे तुरंत डिलीवर कर दिया जाएगा जो उसका क्रेता है, उस क्रेता को उसे तुरंत डिलीवर कर दिया जाएगा। और यदि वह निर्णित ऋणी के पास नहीं है, वो किसी अन्य व्यक्ति के पास में है और कोर्ट के द्वारा अन्य व्यक्ति से उसका पजेशन ले लिया गया, तो पजेशन लेने के बाद किसको दे दी जाएगी? तुरंत क्रेता को दे दी जाएगी। और साथ में ये ऑर्डर किया जाएगा कि अब उस व्यक्ति का जिसके पास पहले था पजेशन में, उसका कोई राइट नहीं है,
इसका राइट सिर्फ और सिर्फ इस परचेजर का है, क्योंकि उसके पास से वो ले ली गई, अब उसके पास नहीं है। निर्णित ऋणी के पास नहीं थी, अदर के पास थी तब। अब बात आती है रूल 80 की, ट्रांसफर ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड शेयर्स। ट्रांसफर ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड शेयर्स 80 के अर्थ पराक्रम में लिखितों और अंशों का अंतरण। रूल 80 कहता है कि अगर कोई दस्तावेज का निष्पादन है या पक्षकार द्वारा प्रष्ठांकन है, दो चीजें, दस्तावेज का निष्पादन है या प्रष्ठांकन है, अब इन दो के लिए पराक्रम में लिखित या निगम का अंश है उसमें, तो कोर्ट आर्डर करता है, अपने अधिकारी को निर्देश देता है, इसमें कहा गया है कि अपने अधिकारी को निर्देश देता है कि वह उसके भाग को, एक अधिकारी नियुक्त करके कहता है कि जो उसके भाग को शुद्ध करना है, जो उसके भाग को लिखना है, जो उसके भाग को बनाना है, वह उसके भाग को संशोधित या बना दिया जाए, उस दस्तावेज को निष्पादित कर दिया जाए या उसका प्रष्ठांकन कर दिया जाए, तो वो जो नियुक्त अधिकारी है वो उस दस्तावेज का निष्पादन कर देता है या उसका प्रष्ठांकन कर देता है, तो वह जो निष्पादन किया अधिकारी ने वह ओरिजिनल की भांति ही समझा जाएगा, कि जैसे वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हो, यही समझा जाएगा उसको, ये रूल 80 कहता है। रूल 81 कहता है वेस्टिंग ऑर्डर इन केस ऑफ अदर प्रॉपर्टी। रूल 81 कहता है वेस्टिंग ऑर्डर इन केस ऑफ अदर प्रॉपर्टी, अन्य संपत्ति की दशा में निहित करने वाला आदेश। इसमें कहा गया कि जो अभी तक रूल बताए गए, जो अभी तक प्रोसेस आए हैं, इसके पहले के जो प्रोसेस आए हैं, इसके पहले के जो तरीके आए हैं सेल करने का, संपत्ति के जो उपबंध आए हैं, अगर उनमें से कोई ऐसी संपत्ति आई है जिसके बारे में उपबंध नहीं है वो, तो भी ये वैसा ही सेल करने का और कब्जा लेने का, पोजीशन लेने का और नीलामी करने का अधिकार उस कोर्ट को और उस अधिकारी को होगा जैसे पूर्व में थे। इसमें कहा गया कि अगर कोई ऐसी संपत्ति है जिस संपत्ति का वर्णन पहले नहीं आ पाया है, तो वो भी संपत्ति उसी तरह से नीलाम की जाएगी और उसी तरह से सेल की जाएगी। तो अभी रूल 74 से लेकर के रूल 81 तक ऑर्डर 21 के क्लियर हो गए। अब रूल 82 से हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।